स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग, जी हाँ, SBG क्लासेस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैंकिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं कि बैंक में जॉब लग जाए। तो एक डिप्लोमा आता है जिसका नाम है डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस की और इंश्योरेंस। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फिनेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे बैंक में एक डिप्लोमा करके, प्राइवेट बैंक को जैसे ICICI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, सिटी बैंक है, इन सब में जॉब पाना चाहते हैं। क्वेश्चन आता है, सर कौन से इंस्टीट्यूट से करें, विच इंस्टीट्यूट इज़ बेटर फॉर अस, बताइए ऑल ओवर द इंडिया क्या करें क्या ना करें। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के कॉलेजेस चलते हैं अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो। एक होते हैं ऑटोनोमस, जो हमारा HRD डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको बना दिया है, पहले वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, ठीक है। और दूसरा होता है आपकी यूनिवर्सिटी, UGC, उसके एफिलेटेड जितने भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं, दोनों तरह के आपको मिल जाएंगे। कुछ कॉलेजेस भी हैं जो प्रोवाइड कराते हैं डिप्लोमा, जिसकी ड्यूरेशन होती है एक साल ग्रेजुएशन के बाद। उस एक साल का डिप्लोमा करके आपको जॉब ओरिएंटेड है डिप्लोमा, आपको जॉब भी मिल जाएगी। कुछ इंस्टीट्यूट आप मेरे सामने देख रहे हो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है, ये इंस्टीट्यूट बेकार है। मैं आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे देख रहे हो, जैसे IIM दिल्ली का इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल है, गजब है। लेकिन और भी बात करेंगे, ये देखते हो तो BHU के बारे में कौन नहीं जानता वाराणसी। जी हाँ, बताइए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बताइए कोची में कितना वर्ल्ड क्लास है, बिरला इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट नोएडा में वर्ल्ड क्लास है, बताइए वर्ल्ड क्लास कॉलेज है जितने भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इग्नू से भी कर सकते हो आप, इग्नू आप सभी जानते होंगे, ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी देश की, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है। क्या आप बैंक PO की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आज ही जुड़िए डाउटनट के साथ। लक्ष्य बैच आपके लिए लेकर आया डाउटनट, यहाँ पे बैंक PO की तैयारी आप कर सकते हैं, प्री और मेंस की आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस और क्लास के नोट्स, और डेली आपको होमवर्क भी मिलता है, और साथ में आपको वीकली मॉक टेस्ट, जिससे आप अपनी टाइम स्पीड बना सकते हैं। इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप पढ़कर एक बार में ही 2499 में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं IBPS PO500, तो आप 500 का डिस्काउंट, इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाइए और जुड़िए, अगले मिल जाएंगे, मैं आपको सच में कहूँगा। बट मैं क्या बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, कि एक अच्छा कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करते हुए, कौन कौन चीज़ें रहनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकें। आप एक साल का डिप्लोमा करने जा रहे हो, 10 से 15 हज़ार आप दोगे, उसके बाद आप जॉब भी पाना चाहोगे, इसीलिए आप ये करना चाहते हो। पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, कोई भी कर सकता है 12 पास आउट, ग्रेजुएशन भी। कुछ जगह पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है, कुछ जगह पर 12 पास आउट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ग्रेजुएशन ही यहाँ पर होती है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक साल का डिप्लोमा, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि ये इंस्टीट्यूट है इंडियन कॉलेज, इस पर आपने क्लिक करा। कोई भी इंस्टीट्यूट आप चेक करना चाहते हो कि मेरे लिए अच्छा कब है, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मैंने इस कॉलेज को खोला और सबसे पहले मैंने चेक किया इसके, सबसे नीचे जाओ और बच्चों के रिव्यूज़, जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, पढ़िए, देखिए, ये देखिए सब लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कोलकाता में है और बिन्स एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने यह किया ये किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। कुछ लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी दिए, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले जाकर सबसे नीचे अपने रिव्यूज़ देने चाहिए, और उसके बाद चेक करना चाहिए कि जो आपका कॉलेज है उसके अबाउट में जाकर आप लोग उसके बारे में ज़रूर सर्च करें। अगर आप कॉलेज के बारे में नहीं सर्च कर सकते तो दिक्कत रहेगी। देखिए ये है कॉलेज इन्फो, कॉलेज इन्फो में आप जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कौन सा कोर्स कॉलेज प्रोवाइड कराता है, कॉलेज का सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, कॉलेज की रैंकिंग आपको यहाँ पे पता लग जाएगी, देख सकते हो आप, कंपेयर भी कर सकते हो आप। तो कॉलेज के बारे में सबसे पहले तो उसके रिव्यूज़ और फिर उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगें, और ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाके पता लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ के बारे में। ये देखिए सब चीज़ें लिखी हैं, प्लेसमेंट्स भी कहाँ कहाँ हुई है, तीसरा पॉइंट है कि प्लेसमेंट्स कराते हैं कि नहीं कराते। बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं, आप एडमिशन के लिए जाओगे वो कह देंगे हम तो प्लेसमेंट्स कराते हैं, लेकिन जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा वो कह देंगे हमारे यहाँ प्लेसमेंट नहीं है, तो पहले उनकी वेबसाइट पर चेक कर ले। तीसरा स्टेप कि प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ कर होती है, देखिए इन्होंने 5 वेरियस कोर्सेज में प्लेसमेंट्स दे रखी हैं, सच एज कंपनी लाइक वेबगुरु, इन्फोसिस, IIT BP है, JSW है, बंधन बैंक है, ये सारे इन्होंने प्लेसमेंट्स
दे रखी है, ठीक है, और भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टीज कैसी हैं, वो सब आप यहाँ पे चेक करें। तो ये तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ, उसके बाद जो तीन स्टेप होने के बाद फोर्थ स्टेप है आपका, वो है कि आपके घर से कितना दूर पड़ेगा। आप डेली जाओगे तो आपको कन्वेंस लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, वो सब चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद आपको जो कोर्स है, जैसे मैं यूजी डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, 14 कोर्स हैं इसमें, तो मैंने इस पर क्लियर किया, या कंपेयर आप कर सकते हो इसे, ठीक है। ये आ गया, देखो आप सिंपली कंपेयर करने के लिए जैसे यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करोगे आप, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उससे आप कंपेयर अपना कर सकते हो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कम से कम ये देखो अलग अलग कॉलेज के बारे में कंपैरिजन आ जाएगा, आप उसमें आपस में कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है। तो चार पाँच चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बच्चे कमेंट करते हैं, सर बैंकिंग डिप्लोमा कोई बेस्ट कॉलेज बता दो, कहाँ से करना चाहिए, या कोई भी पर्टिकुलर डिप्लोमा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमा के लिए कॉलेज चुनते समय चार चीज़ें मैंडेटरी हैं। नंबर एक, बच्चों के रिव्यूज़ जो पहले बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखो आप कोई भी चीज़, मान लीजिए फ़ोन है एप्पल का, मैं इसे लेने के लिए गया तो मैंने पहले अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा, यार एप्पल का फ़ोन लेना ठीक है कि नहीं, क्योंकि भाई हम लोग तो एंड्रॉयड चलाने वाले और हमने एप्पल चलाना है। तो उन्होंने बताया, नहीं यार इसका ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तभी तो जाते हैं आप कोई भी चीज़ खरीदते, तो एडिशन कैसे ले लेते हैं। एडिशन लेने के लिए आपको पहले रिव्यूज़ देखने चाहिए, फिर आपको देने चाहिए उसके अबाउट में जाकर कि ये UGC से अफिलेटेड है नहीं है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी एक्सपायर्ड है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी फ़ीस होगी, कंपेयर हो गया और स्कूल और कॉलेजेस से, ठीक है, आपका डिस्टेंस हो गया कितना है, प्लेसमेंट्स इन्होंने कितनी दे रखी हैं, ये सब चीज़ें आप देख लोगे तो आप कोई भी बेस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरी नज़र में सारे इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं और मेरी नज़र में कोई भी बेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने पढ़ने वाले हो, कितना गेन करते हो, क्योंकि जितने भी ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, इनमें गेन कितना अच्छा कर लेते हो, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपकी नॉलेज मैटर करती है, ना कि आप किस कॉलेज से आए हो। थैंक यू वेरी मच।